दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी गे। दर्शन दो घनश्याम मनो मंदिर की ज्योति जगा दो, मनो मंदिर की ज्योति जगा दो। घट घट वासी रे दर्शन दो घनश्याम। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हारमोनियम गुरु शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। रागों की इस श्रृंखला में ये मेरा लेसन नंबर 11 है, जिसमें मैं आज राग केदार के बारे में चर्चा करूंगा विस्तार पूर्वक। और आप ध्यान से समझें कि राग केदार क्या है। राग केदार कल्याण ठाट से उत्पन्न राग है। दोनों मध्यमों के अतिरिक्त इसमें से स्वर शुद्ध लगते हैं, मध्यम दोनों लगते हैं, शुद्ध भी और तीव्र भी। तीव्र मध्यम जो है इसका प्रयोग किया जाता है, अल्प प्रयोग होता है, लेकिन आरोह में होता है, आरोहात्मक क्रम में। कभी कभार अवरोह में दोनों मध्यमों का प्रयोग मीर के साथ किया जाता है, जो कानों को बड़ा सुहावना लगता है। आरोह में ऋषभ और गंधार वर्ज होने के कारण सीधे सा से षडज से मध्यम पर जाने की प्रथा है, ये परंपरा है। सामा इस टाइप से राग की शुरुआत होती है। अवरोह में गंधार अवश्य वर्ज माना जाता है, किंतु मध्यम पर गंधार का कण मान्य है। इसकी जाति औड़ब संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम और संवादी षडज है। वादी मध्यम, संवादी षडज। कभी कभी अवरोह में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग किया जाता है, जैसे स नी द प इस टाइप से। तो दोस्तों, सबसे पहले इस राग का आरोह अवरोह समझिए। पकड़ राग में न्यास के स्वर क्या है, तो सबसे पहले आरोह समझिए। सा म म प ध प नि द स। देखिए, सा से मा पे आने की परंपरा है, क्योंकि ऋषभ और गंधार वर्ज है राग में। सा म म प ध प नि द स, ये तो आरोह हुआ। अवरोह देखें, स नि द प म प ध प म रे स। अवरोह एक बार फिर देखें, स नि द प म प ध प म रे स। ये आरोह अवरोह हुए राग के। अब राग की पकड़ जानना बहुत आवश्यक होता है। सामा, क्योंकि राग का चलन ही इस टाइप से सा से सीधा मध्यम पे आना है। सामा मा प, और मैंने बताया तीव्र मध्यम का प्रयोग भी होता, म प ध प म रे सा। ये पकड़, सा म म प म प ध प म। ये स्वर संगति बहुत काम आती है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में एक भजन बताया आपको, यानी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तो इसमें यही स्वर संगति बहुत इस्तेमाल है,
म प ध प म रे सा, पूरा फ्रेज आया म प ध प म रे सा। जैसे दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, देखो वही फ्रेज प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। तो ये तो इसकी पकड़ हुई। राग में न्यास के स्वर षडज, मध्यम, पंचम, माँ इसका बादी स्वर है। बादी तो हमेशा बाहुल्य होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, संवादी षडज है, तो ये भी न्यास का स्वर होना आवश्यक है। पंचम, अब इस राग की कुछ विशेष स्वर संगतियां आप जानिए, आपके बहुत काम आएंगे। सामा विशेष स्वर संगतियां हैं, स्वर समुदाय खास। सामा मा प सामा मा प म प ध प म, बहुत इंपॉर्टेंट, म प तीव्र मा से म प ध प म रे सा। और एक और स्वर संगति है मा तीव्र मा से म प धनी द प म प धनी द प, यहाँ कोमलनी का प्रयोग है। मैंने बताया था शुरू में के अवरोहात्मक क्रम में कभी कभार कोमल निषाद भी प्रयोग होता है और बहुत सुंदर लगती है स्वर संगत। म प ध नि द प और स नि द प स नि द प, इसको स नि द प कोमल नि का भी प्रयोग कर लेते कर। स नि द प नहीं स नि ध प, ये तो ठीक है। स नि द प स ध सदा नी प, ये है जब कोमल निषाद प्रयोग करते हैं। सदा सदा नी प सदा नी प, और पंचम से तार सड़ज पर जाने की के लिए पापा सारे सा पापा सारे सा, ये भी स्वर संगति है। और फिर समरे सा समरे सा म पधनी सा म पधनी सारे सा, ये भी स्वर संगति म पधनी सारे सा। तो दोस्तों ये राग की विशेष स्वर संगतियां हैं, और मैंने जो भजन बताया था वो इसी राग पर है, बहुत ही सुंदर है ये। वैसे फिल्म सॉन्ग है, फिल्म नरसिंह भगत का है। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां अखियां प्यासी रे, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट बासी दे, दर्शन दो घनश्याम द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लूला अंधा देखे
लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। तो दोस्तों ये राग कंप्लीट हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे इस राग को और बहुत सुंदर है। देखिए जो मैंने जो गीत दर्शन दो घनश्याम बिल्कुल प्योरली इसी राग पर आधारित है, क्योंकि दर्शन सीधे सा से माप है आए हम। दर्शन दो घनश्याम दर्शन दो घनश्याम। जो ऋषभ सॉरी गंधार वर्ज है आरोह में, लेकिन माँ के साथ जो कर्मान है। दर्शन दो घनश्याम। दोस्तों वीडियो पसंद आए आप अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।